हेलो बीकानेर वालों, तो मैं आज जा रही हूँ जूनिया महाराज की कचौड़ी खाने चाय पत्ती वाले इलाके में। तो ये एरिया जो है ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है, एंड अगर आप बीकानेर में हैं तो आप चाय पत्ती ज़रूर आइए और यहाँ की जूनिया महाराज की कचौड़ी पकौड़ी ज़रूर खाइए। आपको यहाँ की वाइब भी अलग लगेगी। हाँ, अभी बन रही है मूंग दाल की पकौड़ी, धुली हुई मूंग दाल की पकौड़ी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके साथ यहाँ पर है कचौड़ियाँ, समोसे, आलू की सब्जी और हरी चटनी। स्टफिंग है इसके अंदर, एंड इसके ऊपर उन्होंने कुछ पकौड़ी डाली है, एक हरी चटनी डाली है और कुछ आलू की सब्जी डाली है। ट्राई कैसी है, और ये सिर्फ 15 रुपये की है। ये लोग सर्व करते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, एंड ये आप देख सकते हैं कि इसमें धुआं निकल रहा है। आप लोगों को ज़रूर आके ये ट्राई करनी चाहिए, सिर्फ 15 रुपये में यू विल गेट दिस मच फूड। चटनी के साथ ही दे दो ट्राई करूंगी। समोसा, समोसे के ऊपर भी ये थोड़ी पकौड़ी डालते हैं, चटनी डालते हैं और आलू की सब्जी डालते हैं। आपको अगर सब्जी नहीं लेनी तो यू कैन स्किप दैट, जैसे मैंने स्किप किया। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मसाला वगैरह बनता है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ऑयल में बनती है और बहुत रीजनेबल है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ की पकौड़ियाँ पसंद आई है। तो आप चाहे तो घर में अलग अलग पैक करवा के भी ले जा सकते हैं, जैसे मैंने करवाई थी। मैंने पकौड़ी अलग पैक करवाई थी एंड कचौड़ी अलग पैक करवाई थी। सो यू कैन हैव दीज कचौड़ी एंड पकौड़ी फॉर 2-3 डेज, वो ख़राब नहीं होती है। आपका नाम? मेरे पिताजी का नाम है जूनिया महाराज। जूनिया महाराज ने ये शॉप जब मेरा जन्म हुआ 1972 में खोले, आज 50 साल हो गए इस दुकान को खोले हुए। और हम ये प्रयास करते हैं कि ग्राहक को हमेशा एक जैसा माल मिले, एक जैसी क्वालिटी मिले। भगवान की कृपा से आज तक तो हम इस चीज़ में कामयाब हैं कि ग्राहकों को अच्छा माल दे रहे हैं, और उतना ही स्नेह और प्यार ग्राहकों का हमें मिल रहा है। और इससे से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसे ही स्नेह और प्यार हमें जनता का मिलता रहे। जी, तो ये टाइमिंग क्या है शॉप का? सुबह 5:30 बजे दुकान खोलते हैं और 2 बजे तक मतलब सारा माल बिक जाता है आपका, उसके बाद शाम को नहीं? है शाम को नहीं। अच्छा, और सिर्फ आप ये कचौड़ी और पकौड़ी? पकौड़ी और समोसा। अच्छा, ये पकौड़ी जो अपने बनाते हैं प्योर मोट सिल्का दाल की पकौड़ी है, और मोट सिल्का दाल की पकौड़ी में सबसे ज़्यादा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हींग जो है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि हींग एक ऐसा आइटम है जो फ्लेवर लाता है, एसिडिटी नहीं होने देता है, या आयुर्वेदिक नुस्खा भी आपने कह सकते हैं। अच्छी हींग और अच्छी क्वालिटी, यहाँ जो ग्राहक माल खाते हैं कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो पिछले 40 सालों से कंटिन्यू खा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। ये आपके सारे परमानेंट ग्राहक हैं? परमानेंट। अच्छा, 80% ग्राहक परमानेंट है, 20% ग्राहक अदर आते हैं। अच्छा, जैसे आप जैसे आगे ऐसे 20% है। हमने नाम सुना ना तभी हम आए हैं। और कचौड़ी के साथ आप क्या देते हैं? कचौड़ी के साथ दिखा दीजिए, आलू की सब्जी है, पुदीने की चटनी है और पकौड़ी है। अच्छा,
और एक पीस कितने का आएगा कचौड़ी? एक पीस 15 रुपए का है। 15 रुपए का। और समोसा भी उतने का ही? समोसे 15। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप जैसे सद्भावी लोग जो आते हैं ना, उन्होंने इतना फेमस कर दिया है, इतना प्रचार कर दिया है कि हम आपके दिल से आभारी हैं। थैंक यू। आप जैसे लोग जो भी आते हैं, बट आप भी मेहनत करते हैं और आप भी वही क्वालिटी वही है, इसलिए सब लोग यही आते हैं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, जो हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच।